उत्तराखंड को बनाने की धारणा यही थी कि इसे पहाड़ों के अनुरूप, वहां की विकास संभावनाओं के अनुरूप एक आदर्श राज्य के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज से 27 वर्ष पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1994 में गठित रामाशंकर कौशिक समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाए जाने की सिफारिश की थी। तब भी 68% जनता ने गैरसैंण के पक्ष में ही अपनी राय दी थी। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के अंतरिम सरकार द्वारा राजधानी के चयन को गठित दीक्षित आयोग ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही राजधानी के लायक बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने से गैरसैंण को उपयुक्त नहीं माना था, लेकिन जनता की राय गैरसैंण के पक्ष में बताई गई थी। आज गैरसैंण ढांचागत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की उपलब्धता की कमी और बुनियादी जरूरतों की गुणवत्ता की दौड़ में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड की दशा के लिए अब तक राजनीतिक अस्थिरता को ही जिम्मेवार माना जाता है। यही कहा जाता रहा है कि नेतृत्व करने वाले के सामने ऐसी विवशताएं हैं कि वह न तो विकास कार्यों को देख पा रहे हैं और न ही नौकरशाही को नियंत्रित कर पा रहे हैं। उनका समय सत्ता के संतुलन को बनाने में ही निकल जाता है। मनाने समझाने के व्यवहारिक दिक्कतों के बीच राज्य को ठीक से नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। देखा गया है कि राज्य के मंत्री नेता जिस आयोजन में जाते हैं उसमें प्रदेश की व्याख्या करके आते हैं। कभी उनके लिए यह पर्यटन प्रदेश बन जाता है, कभी आयुष प्रदेश, कभी जल प्रदेश, कभी हिम तो कभी बुग्यालों की बात होती है। लेकिन सही मायने में राज्य जाना किस तरफ है, इसकी सही सही परिकल्पना अभी तक नहीं बनी है। सरकार ने पलायन आयोग बनाया है, लेकिन सरकार को बताना होगा कि इस पलायन आयोग के ढांचे को जिस तरह खड़ा किया गया है उसमें उसके उद्देश्य कहाँ तक पूरे हो रहे हैं, इस आयोग के काम करने का तरीका क्या है, रोजगार सृजन की नई संभावनाएं कहाँ से उत्पन्न होंगी, सुदूर पहाड़ों के जीवन में बदलाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी का मसला सुलझ नहीं पाया है। तमाम सरकारें एवं आयोग आए, लेकिन सभी ने गैरसैंण से जुड़ी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। गैरसैंण में सभी मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार कर केवल राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली एवं पानी पर गैरसैंण की जनता आज भी इधर उधर भटक रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण, जो कि विकास खंड मुख्यालय गैरसैंण का एक सरकारी अस्पताल है, उसकी स्थिति यह है कि आज भी यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कोई तैनाती नहीं है। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने पर यहाँ से मरीजों को इलाज के लिए 60 से 75 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉक्टर, सर्जन यहाँ मौजूद नहीं है। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य उपकरणों की कमी के चलते मरीजों को रेफर करने का सिलसिला जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग रही है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नागार्जुनसैंण, जो कि जिला चमोली और अल्मोड़ा की सीमा पे स्थित है, पांडुआ खाल के समीप किया जाए। बड़े अंतराल के बाद भी ये मांग ठंडे बस्ते में है। राज्य स्तरीय अन्य विद्यालय, प्राइमरी, जूनियर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। आईटी के इस दौर में कंप्यूटर लैब अधिकतर स्कूलों में खराब हैं। क्लासरूमों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। कुछ विद्यालयों में बायोमेट्रिक की उपस्थिति वाली मशीनें लगी हैं, लेकिन वो अधिकतर खराब हैं। शिक्षा का कोई मानक ही नहीं है। बेरोजगारों के लिए रोजगार नीति नहीं है। रोजगार के साधन सुलभ नहीं हैं, जिससे कि स्थानीय बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर हैं। गैरसैंण क्षेत्र की मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 109 दिवाली खाल से लेकर जनपद अल्मोड़ा के बॉर्डर पांडुआ खाल पर जर्जर बनी हुई है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। मुख्य बाजारों में निकास नाली न होने से गंदा पानी मुख्य सड़क एवं दुकानों में फैला हुआ है। राज्य को बने 21 वर्ष बीत चुके हैं, मगर सरकारों की इस उदासीनता को देखकर जनता उनसे 2.1% भी खुश नहीं है। यहाँ के विकास का वादा हर किसी दल ने सत्ता चाह में किया और जीतने के बाद यहाँ की परवाह नहीं की। सत्ताधारियों ने हमेशा गैरसैंण की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है,
यह एक गंभीर एवं शोचनीय विषय है। अभी हम हैं गैरसैंण की स्थायी राजधानी जिसे क्रांतकारियों की और यहाँ के उत्तराखंड आंदोलनकारियों की स्थायी राजधानी के रूप में देखा था, लेकिन इसे अभी वर्तमान में ग्रीष्मकालीन राजधानी की जगह दी गई है। और हमारे साथ में है धन सिंह जी, यहाँ पे व्यापार संघ के एक पदाधिकारी, मैं उनसे उत्तराखंड जानना चाहूँगा, आंदोलनकारी भी हूँ मैं। और साथ में उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं आप। जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमें ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जो दी गई है, उसमें क्या क्या आपको फायदे नजर आ रहे हैं? हमको तो ऐसा है कि राजधानी में तो कोई फायदा ही नहीं है। जहां तक है हमको जिला बनाया जाए और जिले में हमको फायदा है। जो भी कार्यक्रम होगा ये जिले से होगा, ये राजधानी से नहीं। ये तो ऐसा कि ढांगा चोली लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। यहाँ का कोई आदमी नहीं चाहता कि यह राजधानी बने। यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ का जिला बने और विकास हो। सबसे पहली बात है यहाँ पर हॉस्पिटल की और विद्या की और स्कूलों की, पानी की समस्या है। हॉस्पिटलों में ये हालत है कि आप कोई प्रसव के लिए आता है तो उसको आगे के डिस्चार्ज किया जाता है। हालांकि वो रस्ते में बच्चा हो जाता है, फिर भी यहाँ का कोई वातावरण नहीं है कि यहाँ का हॉस्पिटल में डॉक्टर तो बहुत है, कहने को तो 5 ही डॉक्टर हैं, काबिलियत कोई नहीं। दूसरी बात है शिक्षा विभाग में कोई दिलचस्पी नहीं है मास्टरों की या बच्चों की। दूसरी तीसरी बात है पानी की समस्या। यहाँ पर पानी में कभी आता है कभी नहीं आता है। तो यहाँ क्या विकास होगा, क्या राजधानी बनेगी? जब यहाँ पानी यहाँ के वालों के लिए पूरा नहीं होता है तो राजधानी के लिए क्या पानी पूरा होगा? इससे अच्छा है आप लोग यहाँ जिला बनाए, उससे कुछ उद्योग हो, कुछ कमाई जी हो जी गरीबों का। हाँ सर रावत जी, यहाँ पे ये NH 109 है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी हालत बहुत खराब आप है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे आप, देख ही रहे हैं खड्डे खड्डे हो रखे हैं। गाड़ी हैवी गाड़ी वाले लोड गाड़ी ला रहे हैं, किसी कमाई टूट जा रही, कोई गाड़ी फंस जा रही, हाथ हाथ भर के खड्डे हो रखे हैं। कहीं पुलिया नहीं है, पुलिया है तो 6 महीने चलो, पुलिया बननी नहीं है। उसकी यह हालत है कि बोलने की लायक ही नहीं है। खुद जाके देख लीजिए आप, सड़कों के हाल बहुत बुरी तरह है। यहाँ गैरसैंण का विकास सत्यानाश है, विकास नहीं सत्यानाश है। हम तो ये कहेंगे कि अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मगर नीचे वाले कुछ नहीं करे। देश के हित हाँ में मोदी जी हैं। हाँ राव जी, इसके बाद जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ना, तो इसको किस नजर से देखते हैं आप? नजर से क्या देख, तो हमारे साथ में स्थानीय निवासी पुष्पा देवी, आप बताएंगे यहाँ पर जो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 109 है ना? हाँ बेटा, ये तो स्थिति क्या क्या बहुत क्या खराब स्थिति थी बेटा। ये योगी जी बहुत, हम तो बहुत डर लग रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चा स्कूल जाना, और जब कोई गाड़ी में रात अदरात ये जो बाइक वाइक होना, हम हमने चिंता हुई रहने क्या, हम बोले चिंता हम भर बोलो कोई हम ऑन हुआ सकल पता नहीं क्या हुई कन हुई, हम तो रात भर नींद भी नहीं होनी बेटा। हम ये दोनों भी ये तो बहुत पसंद है है। पूरी रोड खराब है, ये हमारी रोड पूरी दर्शन की रोड पूरी सिमली से लेकर पन्नू खाल से ऊपर सिमली से इधर से रोड बिल्कुल खराब है हमारी। और तो जहाँ हम बच्चों की ले जाते हैं और वो बच्चों को जाना है। माता जी अब तो चुनाव भी निकट है ना, कुछ 1-2 महीने बाद चुनाव जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ तो सरकार ने, बेटा सरकार ने तो हमको कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं। हमारे विधायक बने ये गैरसैंण के, तो विधायक साहब ने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया, रोड देखो हमारी रोड कितनी खराब हो रखी है, और हमारी बच्चों की रोड है ये, इधर से जाते हैं हमारे बच्चे स्कूल, वहाँ का रास्ता भी बिल्कुल खत्म ही रास्ता है, ऐसे पानी उधर कंधे में डाल के लाते हैं हम बच्चों को, मतलब बहुत समस्या है, बहुत समस्या बेटा हमको। आज हम नगर पंचायत गैरसैंण में खड़े हैं और हमारे साथ में है नगर पंचायत अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका कार्यकाल लगभग 3 साल हो चुका है, व्यतीत हो चुके हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, 3 साल आपके पूरे हो चुके हैं, तो आप
क्या संदेश देना चाहेंगे आपने, क्या क्या इसमें? तीन साल का जो कार्यकाल हमारा पूरा हो चुका है, इन तीन सालों में हमने क्षेत्र की जो समस्याएं थी, जिस उद्देश्य से लोगों ने हमको अपना मत दिया था, वो उद्देश्य हमने पूरे किए हैं और कुछ अभी बाकी रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। क्योंकि क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं, पानी से लेकर के, बिजली से लेकर के, सड़क रास्तों से लेकर के, सारी समस्याएं गाँव की हैं। फिर मेरे पास क्षेत्र इतना बड़ा है कि प्रत्येक थोक में, गांव में नहीं, प्रत्येक थोक में हमने पूरा, जैसे जिन जिन लोगों की जो डिमांड थी, चाहे उस गांव में एक ही मकान क्यों नहीं था, उसको भी रास्ता दिया, उसको भी पानी दिया, बिजली की सुविधाएं दी। आज हमारी पूरी स्ट्रीट लाइट सारे नगर पंचायत में जारी, सात हाई मास्क हमारे प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में एक हाई मास्क हमने वार्ड वालों को दे रखा है, जिससे कि पूरी रात को पूरी रोशनी होती है जी। और बाकी रास्ते भी चल रहे हैं, कुछ बन गए आजकल। अब हमने अब जो ये टाइल्स लग रहे हैं, हम प्रत्येक गांव में सीसी मार्ग को कम करके टाइल्स को जाकर लगा रहे हैं, ताकि उसमें जो फिसलन भी ना हो और लंबे समय तक चलता रहे। ये हमारी तीन सालों की प्रगति है और प्रगति पर लोगों का विश्वास भी है कि जो कमी होगी उसको दूर करेंगे। जी राज जी, आप एक कर्मठ नेता के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं और कर्मठ आप काम कर रहे हैं, कर्मठता से आप काम कर रहे हैं। जिन लोगों को मोबाइल वैन से दवाएं भी दी जाती थी, अल्ट्रासाउंड मशीन से चेकअप भी किया जाता था, अच्छे डॉक्टर आते थे, सर्जन लोग आते थे, फिजिशियन लोग आते थे, वो अपनी पूरी जनता की जो समस्याएं थी, जो बीमारियां थी, उनको पूरा बता करके उनको एडवाइस देते थे कि भाई आपको इतने समय में बड़े हॉस्पिटल में जाना है, आपके पास ही बीमारी है। आज ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक एम्बुलेंस है, वो भागते जा रही, भागते कुआं कुआं करते जा रही, और बेचारे वहां से गाँव से लाए, उठा के यहाँ पटक दिया, यहाँ से रिफर सेंटर भर के आपको आगे कर दे दो, श्रीनगर भेज दो, वही बनाया, और कुछ नहीं। बताओ स्वास्थ्य के बारे में आप देख लीजिए, ये तो रेफर सेंटर बन रखा है गैरसैंण का हॉस्पिटल, जनता दूर दराज से आती है विश्वास से कि भाई हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल, वहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी, पर आज की डेट में कुछ सुविधाएं नहीं है। जो भी लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, तुरंत उनको रेफर करके आगे भेज दिया जा रहा है। एक प्रकार से रेफर सेंटर बनाए हॉस्पिटल की तो आप बात करेंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जनता खुश है, बल्कि जनता नाराजी है। नाम के लिए डॉक्टर तो हैं 2000 लोग, वो भी वो लोग हैं जो उसमें कोर्स पीरियड में है, जो ट्रेनिंग पीरियड में है, उन लोगों को यहाँ पर एक प्रकार से उनकी वैकेंसी आप पूरी कर रखी है, कितने डॉक्टर यहाँ पे हैं। बाकी जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके भी यहाँ पर कहीं दूर दूर तक हम कई बार आंदोलन भी किया, पर खाली आश्वासन ही मिला जनता को कि हाँ भाई दे दिया जाएगा, अभी तक नहीं आया। अमूमन लोगों का यहाँ की जो पब्लिक है उनका ये कहना है कि हमें यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर, अभी जैसे रानीखेत जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, रानीखेत श्रीनगर रूट पे वहाँ नहीं तो तब देहरादून, बहुत सारा इसमें समय भी बर्बाद होता है, अनावश्यक पैसा भी बर्बाद हो रहा है, अनावश्यक पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद हो रहा है। चलो जो आदमी सक्षम है वो तो कुछ भी कर लेगा, जो गरीब आदमी होगा तो भी मौत मारा जाएगा, कहाँ से अपनी व्यवस्था जुटा पाएगा। आज की स्थिति में, इस महंगाई के जमाने में, कहीं रहने के लिए, कहीं खाने के लिए, कहीं सोने के लिए, सर्दियों का मौसम है, जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो राजधानी के लोगों को उम्मीद थी उस प्रकार से ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर कोई सत्र रखा गया ढंग से, बल्कि शीतकालीन में रखा गया तो फिर उसको भी बंद करके देहरादून में किया। तो ग्रीष्मकालीन का तो अभी मुझे लग रहा है अभी खाली सिर्फ घोषणा हुई है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी पर कहीं पर भी कोई वर्क अभी दिखने में नहीं आ रहा है। जनता में इस बात का रोष भी है कि खाली ग्रीष्मकालीन राजधानी कहने से ही राजधानी नहीं बनती, उसमें काम भी किए जाने चाहिए, तब जाके लोगों को, जनता को विश्वास होगा। अभी तक तो हम इसको दूर दूर तक भी कहीं ग्रीष्मकालीन का कार्य जो होना चाहिए वो दिखने में नहीं आया है। जी जी राव जी, जैसे कि आप देख रहे हैं NH हमारा 109 NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग 109, इसकी स्थिति इसकी काफ़ी शिकायत आ रही है, स्थिति खस्ताहाली स्थिति है, तो इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? हाँ देखिए, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी पेंटिंग का कार्य हो रहा है, इस कार्य को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जबकि इसका जिस टाइम मौसम था उस टाइम पर इस कार्य को हो जाना था। आज के डेट में ये कर रहे हैं तो ये आनंद फानंद में किया जा रहा है चुनाव को देखते हुए,
हम तो यही मानेंगे, जनता यही मान रही है, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ 2-3 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है और आप पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं इस मौसम में, आप आगे पेंटिंग कर रहे, पीछे गाड़ी जा रही हो, पैरों पर लपेटी फिर बच्चे नहीं उखड़ जा रहा, तो इस पेंटिंग का तो मुझे लग रहा किया या ना किया बराबर बराबर है। और अच्छी बात है कि लोग एक बार जब पहले पिछले बार भी जब हुआ था तो उस टाइम पर भी गैरसैंण में ही लोगों ने जब देखा पेंटिंग अच्छे ढंग की नहीं, तो वहाँ पर आंदोलन भी किया जनता के द्वारा, मार्केट में व्यापारी के द्वारा भी किया गया, उसमें मजिस्ट्रेट भी आया और जनप्रतिनिधि लोग भी आए, सभी ने आग्रह व्यक्त किया कि भाई अगर आपको काम करना है तो सही करिए, नहीं तो खाली ये दिखावापन नहीं करने से। उस बार उन्होंने उसको बंद कर दिया था, अभी शुरू किया तो वो ऐसे मौसम पर कर रहे जब उसका कोई औचित्य नहीं है, अभी खाली कर रहे, फॉर्मेलिटियां हो रही है सिर्फ, कुछ ना कुछ मतलब इस समय जनता में रोष है, रोष है बिल्कुल है, क्यों नहीं है, जिस काम को समय से होना चाहिए अब हो रहा है इस मौसम में, क्या फायदा इस काम कर रहे, अभी दो एक आ अभी बर्फ गिरेगी सारे वो घर के बराबर हो जाएगा, तो अनावश्यक मिस यूज से कहते हैं पैसे का वो हो रहा है। वैसे होना ठीक था कि ये कार्य अगर कुछ समय पहले था जब इसका टेम्परेचर अच्छा था तो कुछ दिन चलती भी, और बाकी तो मुझे लग रहा कि कार्य संतोषजनक जनता को नहीं नजर आ रहा। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में है और हमारे साथ में है अधीक्षक महोदय श्री अर्जुन रावत जी, और डॉक्टर साहब ये जो आपका अस्पताल है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण, इस समय यहाँ पे मरीजों को क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं? इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब से रिलेटेड सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और एक्सरे ECG भी हो रहे हैं, और मरीजों के लिए नॉर्मल डिलीवरी तो हम कराते ही हैं, बाकी प्रेगनेंसी रिलेटेड उनकी जाँचें भी सारी उपलब्ध कराई जा रही हैं, और कोविड की जो सैंपलिंग या वैक्सीनेशन होता है वो सुविधाएं भी सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी सर, और वर्तमान में स्टाफ कितना है यहाँ पे? वर्तमान में स्टाफ देखा जाए तो 8 हमारे पास डॉक्टर साहब हैं और 2 फार्मासिस्ट हैं, 3 नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल हैं, और 3 हमारे पास लैब में लैब टेक्नीशियन अवेलेबल हैं, और एक्सरे वाले हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वर्तमान में स्टाफ तो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। जी, और सर यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है लेकिन वो अभी रिक्त चल रहा है, और अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पा रहे हैं, और लोग दूर दूर जा रहे हैं, जैसे यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, खंडवा जा रहे और वहाँ से आगे और ये रानीखेत कुमाऊँ साइड में जा रहे, तो इस समय आप क्या कहना चाहेंगे और कब तक ये सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है यहाँ पे? रेडियोलॉजी सर के लिए तो सर ने सीमो सर की तरफ से भी एक लेटर आया था और उस लेटर में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ अभी चल रही हैं, उस लेटर में ये हुआ है कि जो कणप्या के रेडियोलॉजी सर हैं वो यहाँ पे शुक्रवार और शनिवार को अल्ट्रासाउंड कर देंगे, और ये जैसी काफ़ी कार्रवाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो सर यहाँ पे आके देख लेंगे वो मशीन, क्योंकि एक्चुअल वो मशीन पुरानी है, वो मशीन 2016 से सील हो रही थी, उस मशीन पर अब तक कोई मतलब 2016 के बाद से किसी ने ओपन नहीं किया, ना कभी देखा गया है कि वो मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है, किस कंडीशन में है, वो तो जब रेडियोलॉजिस्ट सर आएंगे तो उन्हीं के बाद डिसाइड होगा। जी सर, यहाँ पे आपको जैसे पब्लिक और जैसे कोई भी जनप्रतिनिधि कोऑपरेट करते हैं, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, पब्लिक तो कोऑपरेट कर ही रही है, सभी लोग इस समय कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम भी अगर हम हमारा भी पब्लिक के साथ उसी तरह अच्छा है, इसलिए लोग हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। जी, और अधिक बेहतर बनाने के लिए सर, जैसे यहाँ की सुविधाएं और अधिक बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि लोगों को दर दर न भटकना पड़े, इसके लिए क्या प्रयास रहेगा सर आपके द्वारा? और अधिक सुविधाओं के लिए, कभी हमारे यहाँ पे पहले 30-bedded हॉस्पिटल था, अभी ये 50-bedded हॉस्पिटल बन रहा है, 2 बिल्डिंगे और बन के तैयार हो जाएंगी, और नीचे पीडियाट्रिक के लिए एक कोविड वार्ड अलग बन रहा है, और ये नीचे पीडियाट्रिक 20-20 वार्ड के 40 बेड का हॉस्पिटल और बन रहा है, तो टोटल मिला के कम मतलब ये 100 बेड का हॉस्पिटल बन के 1 साल या 1.5 साल के अंदर तैयार हो जाए। हाँ सर, जब पिछली सरकार थी यहाँ पर उस समय यहाँ पर प्राइवेट मोड पे हॉस्पिटल चल रहा था गंगा झील के, उसमें तो अब इसमें आपने जब से ये हटा है तब से इसमें क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, और अच्छा हुआ है या क्या, इसमें क्या क्या सुविधाएं जुड़ी या कुछ कमी आई है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब उस टाइम पर तो मैं अवेलेबल था नहीं यहाँ पे, जब ये हॉस्पिटल PP मोड में था, लेकिन जब से मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तो जितने एक PHC में होना चाहिए और जितने एक PHC का स्पेस है, हमारे पास स्पेस भी
है और बाकी जितनी चीज़ें सीएससी में अवेलेबल होनी चाहिए, जितनी चीज़ें सीएससी में अवेलेबल होनी चाहिए वो यहाँ सारी सीएससी में अवेलेबल हैं। और आज की डेट में हमारे जितने भी पीएससी सेंटर हैं, चारों के चारों पीएससी सेंटर में हमारे परमानेंट डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं और चारों के चारों पीएससी सेंटरों में भी हमारे फार्मासिस्ट भी अवेलेबल हैं, बाकी हमारे 7 उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। तो सुविधाएँ तो इस समय कम्प्लीट हैं। अमन, बीच में हम तक जनता के बीच में जाते हैं ना सर, तो उसमें लोग कहते हैं कि एक रेफर सेंटर का नाम दिया गया है इसको, अब ये शायद उनका कहना है या इस प्रकार की कोई कमी है, तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखो, रेफर सेंटर अगर कोई बोलता है तो देख, जितना एक एमओ के, हम यहाँ पे जितने भी डॉक्टर लोग हैं सारे के सारे एमओ हैं, जितना एक मतलब एमओ के लेवल पर होता है उतना ट्रीटमेंट किया जाता है, बाकी जो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होता है या जो हमारे लेवल से ऊपर का पेशेंट हमारे पास रहता है तो उस पेशेंट के लिए हम उस पेशेंट को आगे भेजते हैं, नॉर्मल वे में हम लोग यहाँ पे कराते हैं। जो पेशेंट सिजेरियन का होता है उसे हम घर पे रेफर करते हैं, या नॉर्मल प्लास्टर और ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो हमारे उससे ऑर्थो का पेशेंट होगा, ऑर्थो का पेशेंट जो ज़्यादा क्रिटिकल होगा उसे आगे तो भेजना ही पड़ेगा। बाकी जाँचें कराने के लिए एनसीसीटी और ये सब चीज़ें कराने के लिए हमें भी पेशेंट को आगे ही भेजना पड़ेगा, बस एक एमओ के लेवल पे जितना होता है उससे हम ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं।